गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ये देखो यहाँ नाश्ता चल रहा है गोभी के पराठों का मेरा, बट पराठा नहीं है, मैंने इसको रोटी की तरह सेक के ऊपर से घी लगाया है, साथ में शेजवान चटनी। बॉटल की हालत देखो, ये कैसे हो गया पता नहीं। ये डायनो की प्लेट है, ये मैं खा रही हूँ। तो चलो हम नाश्ता करते हैं, आप लोग भी नाश्ता करो, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, अभी मैं बनाने वाली हूँ खाना और डायनो भी जा चुकी है, उसको जाना था, काम था। तो मैं बना रही हूँ आज मिक्स दाल और सोच रही हूँ कि क्या बनाया जाए साथ में, समझ नहीं आ रहा, बट देखती हूँ। आप देख रहे हो लाइनर रात को तो हटा दो, बट नेक्स्ट डे कैसे ब्लैक ब्लैक हो जाता है। कोई नहीं। तो गाइस आप लोग भी कुछ बताओ कि कोल्ड को पूरा ठीक करने के लिए क्या बोलूँ, क्योंकि अभी अंदर से पूरा ठीक नहीं हुआ और बहुत वो इरीटेट करता है मुझे। तो चलो आप लोग मुझे बताओ कि मुझे कोल्ड पूरा ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। बाकी मैं ठंडा वगैरह तो अवॉइड कर ही रही हूँ। चलो मैं तब तक अपना खाना बनाती हूँ। बर आई है, बहुत ही बुरा हुआ है। क्या हुआ? हमारे अशोक नगर में मर्डर हो गया है 3 लोगों का, और जिसमें अंकल आंटी है, मतलब हस्बैंड वाइफ और मेड। और सुबह 7:45 पे मेड आई है घर पर, और उसके बाद जो पुलिस कह रही है कि वो बंदे बाइक पे आए थे, 5 बंदे, और वारदात को अंजाम दे दिया उन्होंने। तीनों को जगह सेफ नहीं है यार, तीनों को मार दिया उन्होंने, और सीसीटीवी कैमरे से पता लगा जा रहा है कि मतलब लूटपाट का इरादा था या क्या था। तो मैं देख कर आया यार, बहुत ही मतलब बहुत ही बुरा हुआ जो वो डेड बॉडीज को लेके जा रहे थे पुलिस वाले, तो खून ही खून हो रखा था यार। क्या ही करें यार, क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा, बड़ी बेकार दुनिया हो चुकी है। चलो खाना खाते हैं। चलो तुम खाना खाओ। वैसे न्यूज में भी आ गया है ना ये। सो गाइज, मैंने आज फिर एक बार फिर से एक्सरसाइज स्टार्ट करी है। मैंने भी पीछे कुछ टाइम पहले करी थी, मैंने वीडियो भी अपलोड करी थी कि मैंने आज से स्टार्ट करी, बट वो थोड़े दिन रही फिर छूट गई। बट कोशिश करती हूँ कि रेगुलर रहूँ, बट कुछ ना कुछ हो जाता है कि कहीं आना जाना पड़ जाता है। अब देखो बीच में फेस्टिवल्स आ गए थे तो उसकी वजह से ब्रेक आ गया था, और मुझसे सुबह सुबह होती नहीं है तो मैं शाम को ही करती हूँ। और आपको भी शोर भी आ रहा होगा क्योंकि बाहर वो जो आपको मैंने दिखाया था कि भगवत कथा जो भी चल रही है, तो वो 3 से 6 बजे तक चलती है, और अभी वो इसलिए उसका शोर आ रहा है। आज मम्मा भी गई है वहाँ पे। सो देखो, और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कम ट्राई करूँ कि बाहर का कुछ खाऊं, बट हो ही जाता है। एक चाइनीज़ देख के मेरे को रुका नहीं जाता, नहीं तो बाकी सब देख के मैं रोक भी सकती हूँ, बट हाँ चाइनीज़ देख के मुझे लालच आ जाता है। तो चलो ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ एटलीस्ट कि वीक में कम से कम 4 बार तो एक्सरसाइज 4 दिन तो कर ही सकूँ तो भी ठीक है। तो चलो अब मैं चलती हूँ थोड़ा सा अपना फेस वॉश करने, फिर दीप को बोलूँगी कि चाय पिलाए। आज चाय पीने का भी मन कर रहा है क्योंकि मैंने बहुत देर का ब्रेक हो गया, कुछ खाया नहीं था तो इसलिए। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके, हम आपका दोस्त आपका होस्ट, कैसे हो? तो भाई हम बना रहे थे रील, और रील बन चुकी है, ये उसका स्टैंड है जो कैंपिंग के लिए कोई फ़ोटो था वो करना था, हो चुका है। ये हमारे साले साहब किट्टू ने दिया था, तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे, टेलर की शॉप पे जा रहे हैं, टेलर के पास जाना है, टेलर के पास जाना है, मम्मा का सूट लेने, नहीं देने, हाँ लेना भी है और एक और देना भी है। चलो फिर चलते हैं, रेडी तो हैं हम, लेट्स गो। सो गाइस मम्मा आई है अभी भगवत कथा से, और ये प्रसाद मिला है बनाना समोसे, और ये कुछ बिस्किट्स हैं, और ये है कढ़ी चावल। ये शायद यही है, मैंने मेरे को नहीं मालूम मम्मा हुआ है ये क्या, ये
चलो इनिशियल निकाल रही है सूट वूट। चलो और हम बैठे हैं अभी पैसिफिक में। देखो हमने क्या लिया है, सिज़लर। बढ़िया है ना, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बट बहुत गर्म है यार, गर्म ही होता है। That's why I don't like sizzler. तो वही नोज पे कुछ लग रहा है, रेड रेड सा। वो कुछ पीट दिया किसने? पता नहीं क्या हुआ। तो ये देखो अभी ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि वीकडे है, वीकेंड नहीं है। चलो हम ये खाते हैं, बिल्कुल ठंडा होकर भी अच्छा नहीं लगेगा। सो भाई क्या बनाया जा रहा है? तो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये नमक गरम कर रहे हो? नहीं, ये मसाले वगैरह, ये तो सूखे आलू बना रही हूँ क्योंकि दाल ऑलरेडी रखी हुई है। सूखे आलू? हाँ। और ये मैं आज अपने लिए वेजिटेबल सूप बना रही हूँ। ओके, ब्रोकली, कैप्सिकम, बट मटर वटर भी बहुत सारी वेजिटेबल्स थी नहीं, तो अभी प्याज, बीन्स हैं, ऑरेंज गाजर है, और ये वाली शिमला मिर्च है। अभी और सब्जियां मिल सकती थी जैसे मटर, कॉर्न, ये सब खा नहीं तो अभी इन्हीं से ही बनाऊंगी। अच्छा, पहले बनाती थी ना मैं वेजिटेबल्स को। हाँ। वैसे ये पड़ा है गोवर्धन घी अमिताभ बच्चन का, जो अब कौन बनेगा करोड़पति में सर बोलते हैं। आज हम सुबह से बस खा रहे हैं, है ना? हाँ। इसका डिस्क्रिप्शन टाइटल में ये रहेगा, खाने वाला दिन। हाँ, बस आज हम खाए रहे हैं, गोभी के परांठे भी खाए थे। हाँ। हमने तो दिन में दाल भी बनाई थी। राइट। और हमने सिज़लर भी खाया और तुम बर्गर भी लाए थे। मैं बर्गर भी लाया था, नहीं खाऊंगी, बट तुमने खिलवा दिया। रात को हमने वीडियो में नहीं, रात को पिज्जा भी तो खाया था, तो कल रात खाया था। हाँ। ये मैं बना रही हूँ, कसूरी मेथी डालूँ, ये भी एंड पे डलेगी। बटो कसूरी मेथी। यस। तो चलो जब सूप बन जाएगा ना, सूप दिखाएंगे आप। ठीक है, सूप बनाते। चलो ओके गाइस। सो गाइस ये देखो मेरा सूप ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और इसमें बॉयल आ रहा है। देखो मैंने वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया था छोटा छोटा, कुछ तो मैंने जैसे गोभी, वो ब्रोकली वगैरह थे, गाजर थे, तो चॉपर में ही चला दिए थे। ये देखो सोच रही हूँ उसमें सोया सॉस डालूँ या नहीं, इससे कलर आ जाएगा थोड़ा बढ़िया सा, नहीं भी डालूँ तो भी टेस्टी लगेगा। चलो देखती हूँ बनता है, तो फिर जैसे पूरा बन जाएगा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो ये फाइनली सूप हो गया है रेडी। देखो मस्त बना है, बस इसमें कॉर्न और होते ना तो और मज़ा आता, और मटर भी होती तो बट कोई नहीं। और बहुत ही इजी रेसिपी है, मैं कभी आपको दिखाऊंगी बना के। तो चलो मैं इसको ज़रा एंजॉय करती हूँ, आप लोग मुझे देख के एंजॉय करो। सो गाइस चलो रात हो चुकी है, बहुत लेट हो चुका है, मैं तब से फ़ोन पे लगी हुई थी, तो मैं चलती हूँ अब सोने। और दीप का तो अभी तक गेम चल रहा है, तो दीप का पता नहीं कब सुना है कभी। चलो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।